हेलो फ्रेंड, मैं हूं राहुल सर और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उत्पादक के बारे में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्पादक कौन होता है, हु इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है। आप सबको पता होगा, किसी से अगर कुछ पूछा जाता है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आंसर यही आता है कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का जो नॉर्मल अर्थ होता है, नॉर्मल लोग बोलते हैं वह व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करे, यानी कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे ही उत्पादक कहते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसमें कुछ शब्द छूट रहे हैं। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लेना ही उत्पादक नहीं होता है। तो इसका हम जो है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से अगर विस्तृत अर्थ अगर जानते हैं तो इस वाली लाइन में कुछ शब्द जोड़ने होंगे। अब वो शब्द कौन कौन से हैं वो समझिए। हम कह सकते हैं उत्पादक वह आर्थिक एजेंट होता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादन के साधनों को एकत्रित करता है एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी कि अगर हम इसके विस्तृत अर्थ को जानते हैं तो बताता है कि उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है, एक शब्द ये, जो कि अधिकतम लाभ, दूसरा वर्ड ये, आर्थिक एजेंट होता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादन के साधनों को एकत्रित करता है। उत्पादन के साधनों का एकत्रित करना भी है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का बिना एकत्रित करके वो उत्पादन कार्य को शामिल नहीं कर सकता है, उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आता है एक लाभ। एक उत्पादक लाभ कैसे कमाता है? प्रत्येक उत्पादक लाभ कमाने के लिए फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। यानी कि कुल आगम माइनस कुल लागत। अब यहां पर कुल आगम का मतलब होता है जो भी बिक्री से प्राप्त, बिक्री से जो कुछ भी वो प्राप्त करता है माइनस उसमें से जो साधन है, जो साधनों की कुल लागत, तो इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट लाभ होता है। और प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि उसको एक उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा उसको अधिकतम लाभ मिले, क्योंकि बिना लाभ के कोई उत्पादन कार्य नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है, लाभ दो संदर्भ में हो सकता है। एक हो सकता है मौद्रिक रूप में, यानी कि मुद्रा के रूप में लाभ अर्जित करना पैसों में, और दूसरा होता है कंफर्ट के रूप में, यानी कि सुविधा के रूप में। सुविधा हेतु भी लोग उत्पादन कार्य करते हैं। तो ये उत्पादन का एक सिंपल सा अर्थ है जो लोगों को जानना, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लाभ के लिए उत्पाद, प्रत्येक उत्पादक को क्या करना होता है? लाभ, अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रत्येक उत्पादक को अपने लागत को
अपने लागत को न्यूनतम करना होता है, सबसे कम, जितना कम लागत होगा लाभ भी उत्पादक का उतना अधिक होता है। तो ये रहा आपका उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक की प्योर डेफिनेशन। थैंक यू।